मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम भाई देवमोगरा की राइड कर रहे हैं, अपने साथ दो ड्यूक है, एक ड्यूक 200 और ड्यूक 390। और काफ़ी दिनों से भाई सोच रहे थे जाने के लिए, लेकिन भाई टाइम ही नहीं मिला था। और भाई सुबह में 7 बजे जाने वाले थे, लेकिन थोड़ा टाइम एडजस्ट नहीं हुआ, थोड़ा काम में गए थे, इसलिए भाई अभी 9:30 बजे। और भाई अपने सामने देख लो भाई, हिंदुस्तान का पुलर है। और भाई देवमोगरा यहाँ से 70 किलोमीटर है मुंबई से, और मुंबई सागबारा होके जाएंगे। ये भाई हिंदुस्तान का पुल, और काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, देख सकते हो भाई। और हम इधर यहाँ पीपल चौकड़ी से भाई सीधा जाएंगे। ये भाई पीपल चौकड़ी आ गई, यहाँ से भाई सीधा बोर्दा होके जा सकते हैं सीधा सागबारा। और इस साइड जाएंगे तो भाई फेदेरे चौकड़ी आती है, वहाँ से फिर आपको मालदा फाटा तक जाना पड़ेगा, वहाँ से भाई सीधा जा सकते हैं आप। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से सागबारा 50 किलोमीटर है, हम 6 लोग जा रहे हैं भाई। तो भाई थोड़ा रुके यहाँ पे, थोड़ा सामान ले रहे भाई, तो कुछ ज़रूरी सामान लेना था अपने दोस्त को। अपने साथ है भाई शैलेश और आमला हर्ष और ध्रुव। भाई वापस अपनी राइड शुरू हो गई है, और भाई पूरा बारिश वाला माहौल लग रहा है भाई आगे की साइड में। और भाई इस रोड पे सबसे खतरनाक घाट आता है जलेबी घाट, काफ़ी का खतरनाक ही बोल सकते हैं भाई, आपको आगे रास्ते में देखने के लिए मिलेगा भाई। काफ़ी अच्छा बना सीन लगा है, बाइक कौन घूम गई थी अपनी। तो भाई यहाँ पे रुके हैं थोड़ा, मंदिर में जाने वाले हैं भाई, मंदिर में जा के आता हूँ बाद में चालू कर। तो गाइस आप अगर बावली से आ गया होगे तो भाई पहाड़ चढ़ के यहाँ पे आओगे, यहाँ पे एक मंदिर है देख सकते हो, हनुमान जी का मंदिर है, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। अभी यहाँ से आगे की जर्नी स्टार्ट रखेंगे हम, ये पूरा पहाड़ चढ़ के आना पड़ता है भाई, बावली के आगे आपको ये पहाड़ मिलेगा, यहाँ से आगे जाओगे तो भाई आपको जलेबी घाट मिलेगा देख सकते हो भाई। तो भाई रेडी हो चुके हैं अपना हनुमान मंदिर से भाई, अच्छे से राइड हो इसके लिए पूजा कर लिए, और यहाँ पे अपनी बाइक रखी हुई है, और फोटोशूट चल रहा है थोड़ा। ये भाई ड्यूक 200 और यहाँ पे भाई ड्यूक 390 फोटोशूट चल रहा है भाई देख सकते हो। और भाई पूरा बारिश वाला मौसम हो चुका है, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही, और देख सकते हो भाई पूरा जंगल वाला रास्ता है, यहाँ से भाई पूरी नीचे की साइड डाउन हिल है, और आगे भाई घाट आएगा, अभी आपको दिखाऊंगा बाद में आराम से जाते हुए। तो भाई रेडी है अपनी बाइक पे, पास बाइक पे आ चुके हैं, और बारिश भी आने लगी थोड़ी थोड़ी। भाई यहाँ से आगे घाट आएगा, चेक कर सकते हो भाई क्या ही घाट आ रहा है।
भाई पूरा घाट वाला रास्ता आ चुका है और यहाँ से घाट शुरू हो चुका है। ये देख सकते हो भाई पूरा 360 घाट है। ये भाई तापी का सबसे खतरनाक घाट है, पूरा 360 है। डाउन नीचे के साइड जाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई, लेकिन बड़ी गाड़ी के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं भाई पूरा 360 बोल सकते हो गाइस। माने भाई इसे जलेबी घाट बोलते हैं, हालांकि भाई अभी थोड़ा रास्ता बना दिया, इतने इतना खतरनाक नहीं है। गाइस कॉर्नर में चेक करो गाइस क्या है, रोड आ रहे हैं भाई। और इस रोड का भाई मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं, लास्ट टाइम गया था भाई 2023 में, तो अपने भाई लोग आगे जा रहे हैं भाई, इनके पीछे पीछे हम जा रहे हैं। और भाई यहाँ पे कॉर्नर में बहुत खतरनाक आते हैं भाई, यहाँ से आगे भाई गुरुद्वारा आता है, जहाँ सामने देख सकते हो भाई अंदर की साइड जा रहा है रोड, तो भाई आगे देख सकते हो यहीं तक रोड का पता है, उससे आगे भाई रोड का कुछ पता नहीं है। ओ गाइस सीन हो गया अपने साथ, भाई देखना पड़ेगा कुछ टूटा तो नहीं। भाई सीन हो गए अपने साथ, ओ भाई काफी खतरनाक सीन हो गया अपने साथ। देख सकते हो यार भाई थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो गई थी, और भाई स्पीड की बात नहीं है, क्योंकि भाई अगर कॉर्नरिंग के बारे में पता होता तो भाई गाड़ी आराम से मोड़ लेता, लेकिन भाई अगर मैं वहाँ पे ब्रेक मारता तो भाई कुछ ज़्यादा ही हो सकता था, इसलिए भाई ब्रेक नहीं मारा और बाइक थोड़ी स्लो करके भाई आगे जाने दी। और गाइस वीडियो पीछे करके देखना, उस पॉइंट के पास से भाई जाके पता चला कि भाई कॉर्नरिंग है, और मैं रेडी नहीं थे भाई कॉर्नरिंग करने के लिए, तो भाई आराम से भाई बाइक मोड़ लेता। तो भाई देख सकते हो अभी सीन होने वाला था अपने साथ, चलो भाई पूरी गाड़ी कंट्रोल में थी अपने। अंदर से भी जाता है भाई, बीच में जैसे आधे रास्ते में भाई जंगल के अंदर जाता है और आधा रास्ता गांव के अंदर आ जाता है। देख सकते भाई अभी गांव वाला रास्ता जा रहा है, और रास्ता थोड़ा ख़राब हो गया भाई, अभी वहाँ भी खड्डे आ रहे हैं।
पूरा गांव के अंदर से रास्ता जा रहा है। तो भाई यहाँ पे रुके हैं थोड़ा बोरदा में, लेकिन कुछ आवाज़ आया था, लेकिन भाई कुछ टूटा नहीं, उससे अच्छा है, कोई डैमेज नहीं हुआ बाइक के अंदर। तो भाई देख सकते हो बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बाइक उतरी थी तब भाई पूरा सस्पेंस से नीचे लगा था, उसकी वजह से थोड़ा आवाज़ आया था। और अपने भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई क्या स्टाइलिश स्टाइल में। तो भाई अभी आगे की जर्नी अभी स्टार्ट करने वाले हैं, आपको सीधा बाइक पे मिलता हूँ। क्या ही रस है, बारिश हो रहा है अभी, थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे। अब देख सकते हो पूरा मौसम का हाल भाई, लोकेशन चेक करो सकबारा का, सामने पहाड़ है और ये पूरा नेशनल हाईवे जा रहा है। यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं भाई, बारिश जाने का वेट करते हैं।